नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं युवा भारत समाचार। आज हम आपको बताएंगे जो ईडी ने जो झारखंड रांची में जो राज्यसभा सांसद से 353 करोड़ रुपए अभी बरामद किए, 7 दिन से जो चल रही है, उसमें कितना पैसा मिला है, उस पैसे का क्या होगा और कितने दिन तक केंद्र सरकार अपने पास रखेगी, उस पैसे का क्या होगा, इसी के बारे में आप जानना चाहते हो तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो कांग्रेस के धीरज साहू राज्यसभा के सांसद हैं, उनके यहाँ से 353 करोड़ रुपए बरामद किए हैं ईडी ने, उस पैसे का क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो राज्यसभा के सांसद हैं, अगर वो गलत पाए जाते हैं तो जो पैसे हैं 353 करोड़ रुपए, तो इस सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाएगा। अगर वो फ्री हो जाते हैं तो उनका रुपए वापस कर दिया जाएगा। जब तक केस फ्री नहीं हो जाता है, अच्छा केस 6 महीने चलता है या साल भर चलता है, तो उस पैसे को केंद्र सरकार 1 रुपये खर्च नहीं कर सकती है, चाहे वो सही हो या गलत हो। केस फ्री होने के बाद अचानक वो सही पाए जाते हैं तो उनका पैसा वापस किया जाएगा। अगर वो गलत पाए जाते हैं तो केंद्र सरकार अपने कब्जे में पैसा कर लेगी और सरकारी खजाने में जमा हो जाएगा। अगर जो 353 करोड़ रुपये पाए गए हैं, क्या 2024 की तैयारी है कांग्रेस की, किया तो इसके लिए आपको दूसरा पार्ट में आपको कल बताऊंगा।